वेलकम टू जे एस के एम क्लासेस। माई सेल्फ देवेंद्र कुमार। आज हम बात करेंगे डिप्लोमा इन फार्मेसी के सब्जेक्ट हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी में। इसका फर्स्ट चैप्टर है हॉस्पिटल फार्मेसी। इसी पर हम लोग आज डिस्कस करेंगे हॉस्पिटल फार्मेसी क्या होती है। सबसे पहले हम बात करेंगे हॉस्पिटल। हॉस्पिटल क्या होता है? हॉस्पिटल इज ए हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन प्रोवाइडिंग पेशेंट ट्रीटमेंट विच स्पेशलाइज हेल्थ साइंस एंड सपोर्टिंग हेल्थ केयर स्टाफ एंड मेडिकल इक्विपमेंट। तो हॉस्पिटल क्या होता है? एक हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट होता है, यानी स्वास्थ्य की देखभाल करने वाला इंस्टीट्यूट होता है जहाँ पर पेशेंट का ट्रीटमेंट किया जाता है। एक स्पेशलाइज्ड हेल्थ साइंस, साइंस के द्वारा, विज्ञान के द्वारा, एंड सपोर्टिंग हेल्थ केयर स्टाफ, यानी जो मेडिकल स्टाफ होता है, जो अदर नर्सिंग स्टाफ, फार्मासिस्ट होते हैं, उनकी सहायता से इक्विपमेंट की सहायता से पेशेंट का ट्रीटमेंट किया जाता है, उनकी बीमारी का निदान, इलाज किया जाता है। इसी में इंस्टीट्यूट स्थित होती है या बनी हुई होती है, इसे हम कहते हैं हॉस्पिटल फार्मेसी। तो हॉस्पिटल फार्मेसी इज ए स्पेशलाइज्ड फील्ड ऑफ फार्मेसी। हॉस्पिटल फार्मेसी इज ए स्पेशलाइज्ड फील्ड ऑफ फार्मेसी। इट इज़ द डिपार्टमेंट डैट प्रिपेयर कंपाउंड स्टॉक एंड डिस्पेंस द ड्रग इट इज़ फाउंड इन हॉस्पिटल। यानी कि जो हॉस्पिटल फार्मेसी होती है, यह हॉस्पिटल फार्मेसी हॉस्पिटल का ही एक पार्ट होता है। यह हॉस्पिटल में ही पाई जाती है जहाँ पे दवाइयों के जो मेडिसिन है उनका रिपेयर होती बनाई जाती है, स्टोर किया जाता है और डिस्पेंस, यानी कि वहीं से पेशेंट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। इसे हम दूसरी तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, इसकी द हॉस्पिटल फार्मेसी में भी डिफाइन एज द डिपार्टमेंट ऑफ द हॉस्पिटल डेट डील्स विथ प्रिक्योरमेंट स्टोरेज कंपाउंडिंग डिस्पेंसिंग मैन्युफैक्चरिंग टेस्टिंग पैकेजिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग। इट इज आल्सो कंसर्न्ड विथ एजुकेशन एंड रिसर्च इन फार्मास्यूटिकल सर्विसेज। ए हॉस्टल फार्मेसी इज कंट्रोल्ड बाई ए क्वालिफाइड पर्सन। यानी कि हॉस्टल फार्मेसी को एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो हॉस्पिटल में रहता है, जो डील करता है दवाइयों से रिलेटेड ऑल प्रोसेस, उनके बनाने के लिए, इनको स्टोर करने के लिए और डिस्पेंस करने के लिए, उनकी जांच करने के लिए कि सही बनी है नहीं बनी, पैक करने के लिए और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, हर एक प्रोसेस के लिए, दवाइयों से रिलेटेड जो भी मैन्युफैक्चरिंग की, डिस्ट्रीब्यूशन की, स्टोरिंग की प्रोसेस होती है, उससे डिपार्टमेंट रिलेटेड होता है, उसी को वो डील करता है। जो कि एक जो और साथ में ये एजुकेशन और रिसर्च में भी हेल्प करता है, जो भी दवाइयों की रिसर्च होती है उनकी जानकारी कलेक्ट करता है, उन सभी को डिस्ट्रीब्यूट करता है डॉक्टर्स को, अदर मेडिकल स्टाफ में सबके बारे, सबको दवाई के बारे में नॉलेज देता है, बताता है, और किसी नई ड्रग की दवा डिस्कवर होनी होती तो वहाँ भी एक अहम भूमिका रोल निभाता है। तो ये सारी प्रोसेस जो भी मैन्युफैक्चरिंग है, डिस्ट्रीब्यूशन है, कंपाउंडिंग है, ये सारी प्रोसेस को एक कंट्रोल करने वाला कंट्रोल करता है, जिसे हम चीफ फार्मासिस्ट कहते हैं। जो सारी फार्मेसी, जो रनिंग फार्मेसी है, उसको सारी प्रोसेस को कंट्रोल में रखता है। नेक्स्ट देखते हैं कि जो फार्मेसी का स्कोप कहाँ पे होता है, स्कोप ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी। तो जनरली हॉस्पिटल फार्मेसी का स्कोप कहाँ होगा? जहाँ पे दवाइयों की मैन्युफैक्चरिंग हो रही होगी और उनका डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा होगा, डिस्ट्रीब्यूशन स्टोरेज के लिए जो भी दवाइयों से रिलेटेड जो प्रोसेस हैं, वही एक हॉस्पिटल फार्मेसी का ऑब्जेक्टिव होगा, फंक्शन होगा और स्कोप होगा। तो हॉस्पिटल फार्मेसी का मेन स्कोप कहाँ होता है, इस चार्ट के थ्रू हम देख लेते हैं। पहला है डिस्पेंसरी, यानी कि जो भी दवाइयाँ होती हैं उन्हें डिस्पेंस किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है कहाँ पे, हॉस्पिटल फार्मेसी में। दूसरा पॉइंट है परचेज एंड इन्वेंट्री कंट्रोल। परचेजिंग एंड इन्वेंट्री कंट्रोल क्या होगा? जो भी दवाइयों को बाई करेंगे या दवाई से मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो प्रोडक्ट बाई किया जाएगा, वो सारी चीज़ों को परचेज किया जाएगा और उन्हें व्यवस्थित रखने के लिए कंट्रोल किया जाएगा, क्योंकि ज़्यादा क्वान्टिटी में ना हो और उनका स्टोरेज भी अच्छे से हो जाए। स्टैटिक्स एंड रिपोर्ट, कि जो भी डाटा कलेक्शन होगा, यानी कि ड्रग का स्टोर कर रहे हैं या हम सेल कर रहे हैं या बाई कर रहे हैं, सारी चीज़ों की एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी, ये हॉस्पिटल फार्मेसी में ही किया जाता है। नेक्स्ट है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग। कुछ हॉस्पिटल फार्मेसी में जहाँ पे दवा की मैन्युफैक्चरिंग होती है, वो भी एक हॉस्पिटल फार्मेसी काम होता है कि कितनी क्वांटिटी में हमारे पास से ड्रग स्टॉक बचा हुआ है, कितनी क्वांटिटी में स्टॉक की रिक्वायरमेंट होती है, उसी अकॉर्डिंग दवाइयों की मैन्युफैक्चरिंग भी
होती हैं। नेक्स्ट है टीचिंग। ऑस्टियोपोरोसिस में टीचिंग भी की जाती है। जब न्यू फार्मासिस्ट या जब इन ट्रेंड फार्मासिस्ट पहुँचते हैं ट्रेनिंग करने के लिए, तो वहाँ पे जो चीफ फार्मासिस्ट होता है उन चीफ फार्मासिस्ट स्टूडेंट को, यानी कि जो ट्रेंड फार्मासिस्ट हैं उनको, उस दवाइयों के बारे में, उनके स्टोरेज के बारे में और डिस्पेंसिंग के बारे में, और जो भी डाटा होता है कि उन्हें हम कैसे सेल करेंगे, कैसे स्टोर करेंगे, कैसे हम मैनेज करेंगे, सारी जानकारी चीफ फार्मासिस्ट ट्रेंड फार्मासिस्ट को टीचिंग करता है, बताता है। नेक्स्ट है रिसर्च। जो भी रिसर्च होनी होती है, कोई नई ड्रग डिस्कवर होनी होती है, तो वहाँ भी चार्जल फार्मेसी की एक अहम भूमिका होती है, बताता है, सारी जानकारी कलेक्ट करते हैं। फिर स्टोरेज, स्टोर करना होता है जो भी ड्रग हमने बाय किया हुआ है, स्टोर स्टोर करना होगा, इन्वेंट्री मैनेज करना होगा। ड्रग का स्टोरेज जो होता है वो डिफरेंट प्रकार से किया जाता है, यूज़ ऑफ ड्रग के बेसिस पे, और मेथड भी बहुत सारे होते हैं स्टोरेज करने के। नेक्स्ट है कंट्रोल, यानी कि जो सारी प्रोसेस होती है, डिस्पेंस करना है, मैन्युफैक्चर करना है, स्टोरेज करना है, इन सभी प्रोसेस को हॉस्टल फार्मेसी कंट्रोल करती है कि किस प्रकार से इन सारे प्रोसेस को करना चाहिए, किस वहाँ से गाइडलाइन अपनानी चाहिए, रूल्स और रेगुलेशन बनाने चाहिए, ये सारी प्रोसेस को कंट्रोल करते हैं चीफ फार्मासिस्ट। नेक्स्ट बात करते हैं कि पॉइंट वाइज देख लेते हैं हॉस्टल फार्मेसी का स्कोप क्या होता है। पॉइंट वाइज में फर्स्ट पॉइंट आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेडिकेशन इन द वर्ल्ड वार्ड। तो बहुत सारे हॉस्पिटल में क्या होता है, वार्ड डिवाइड होते हैं, डिफेंस वार्ड होते हैं, जो भी डिपार्टमेंट होता है उस डिपार्टमेंट का एक वार्ड होता है, उन वार्डों में वही उस डिपार्टमेंट टाइप के पेशेंट वहाँ पे पाए जाते हैं। तो वहाँ पर भी फार्मेसी क्या करते हैं, फार्मेसी फार्मासिस्ट दवाइयों को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। डिस्पेंस ऑफ मेडिकेशन, डिस्पेंस ऑफ मेडिकमेंट टू आउट पेशेंट। जो भी दो प्रकार के पेशेंट होते हैं, इन पेशेंट और आउट पेशेंट। इन पेशेंट जो हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, आउट पेशेंट जो हॉस्टल में एडमिट नहीं होते हैं, आते हैं डॉक्टर से दवा लिखाते हैं, प्रिस्क्रिप्शन लिखवाते हैं, और प्रिस्क्रिप्शन सुनने के बाद फार्मेसी पे जाते हैं, दवा लेते हैं और रिटर्न हो जाते हैं। तो डिस्पेंस ऑफ मेडिकामेंट टू आउट पेशेंट, जो भी आउट पेशेंट है उन सभी को ड्रग का डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, डिस्पेंस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है क्वालिटी कंट्रोल ऑफ परचेज और मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट। जो परचेज करना होता है उनकी, या हम जो मैन्युफैक्चर करते हैं उनमें जो क्वालिटी होती है, यानी कि किस क्वालिटी पर ड्रग का मैन्युफैक्चर करना है, वो चीज़ सारी कंट्रोल करता है हॉस्पिटल फार्मेसी। ड्रग इंफॉर्मेशन सोर्सेज इन हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में डिफरेंस प्रकार के डिफरेंट होते हैं, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, ड्रग इंफॉर्मेशन सोर्स इन हॉस्पिटल। तो हॉस्पिटल में डिफरेंस प्रकार के, विभिन्न प्रकार के दवाइयाँ होती हैं, जिनके बारे में हमें नर्स स्टाफ या अदर स्टाफ जो भी मेडिकेशन से रिलेटेड, उनको सारी जानकारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाता है, उनका स्टोरेज, यूजेस और किस प्रकार पेशेंट को देना, इन सब की चीज़ों के बारे में जानकारी प्रोवाइड करता है। अच्छा है पेशेंट काउंसलिंग, पेशेंट की काउंसलिंग करना चाहिए कि इसका ट्रीटमेंट कैसा चल रहा है, फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है। दूसरा आता है, नेक्स्ट आता है इट कीप अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल द नारकोटिक ड्रग एंड एल्कोहलिक रिसीव्ड एंड इश्यू। जो भी नारकोटिक एल्कोहल सब्सटेंस होते हैं, इनका सारा डाटा रिकॉर्ड किया जाता है, मेंटेन किया जाता है कि कितना रिसीव किया गया और कितना इशू किया गया, यानी कि डिस्ट्रीब्यूट किया गया। दूसरा है नेक्स्ट पॉइंट है इट कीप अ रिकॉर्ड ऑफ ईच सप्लाई डिस्पेंस। जितनी भी डिस्पेंस किया गया, जितनी भी ड्रग को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, उन सभी का रिकॉर्ड भी मेंटेन किया जाता है, बनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है इट इम्प्लीमेंट स्ट्रिक्ट कंट्रोल ऑन द क्वालिटी ऑफ द सप्लाईज रिसीव्ड मैन्युफैक्चर एंड डिस्पेंस। जो भी ड्रग सप्लाई की जाती हैं, रिसीव की जाती हैं या मैन्युफैक्चर और डिस्पेंस की जाती हैं, उन सभी को बहुत ही सावधानी पूर्वक दिया जाता है, बहुत ही कंट्रोल रखा जाता है कि उनकी कोई क्वालिटी में किसी भी प्रकार का कोई डिस्टर्बेंस ना हो पाए या कोई कमी ना हो। नेक्स्ट पॉइंट है इट डिस्कस द ड्रग रिलेटेड इंफॉर्मेशन विद द मेडिकल स्टाफ, नर्स, हेल्थ केयर टीम एंड द पेशेंट। जो भी ड्रग हैं उनके बारे में मेडिकल स्टाफ, नर्स, हेल्थ केयर टीम और पेशेंट्स की डिस्कस करना चाहिए कि किस क्वांटिटी में ड्रग लें, किस क्वांटिटी में ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, कैसे ड्रग का हम स्टोर करेंगे,
इन सभी के बारे में जानकारी दें। जानकारी करता है, कलेक्ट करता है इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट पॉइंट है टू पार्टिसिपेट इन रिसर्च प्रोडक्ट। जो भी न्यू ड्रग डिस्कवर हो रही हो, किसी चीज़ रिसर्च किया जा रहा हो, वहाँ भी हॉस्टल फार्मेसी को पार्टिसिपेट होना चाहिए, यानी कि योगदान देना चाहिए। ये तो हैं हॉस्पिटल फार्मेसी के स्कोप। इसी तरह से इसके ऑब्जेक्ट भी होते हैं, ऑब्जेक्टिव हॉस्टल फार्मेसी, सेम एज इट इज। इस तरह से जो हॉस्टल फार्मेसी का मेन उद्देश्य होता है, क्या क्या हॉस्पिटल फार्मेसी को करना चाहिए, ये इसके ऑब्जेक्ट हो जाएंगे। इसके फर्स्ट पॉइंट है द प्राइमरी मिशन ऑफ हॉस्टल फार्मेसी इज टू मैनेज द यूज ऑफ मेडिकेशन इन हॉस्पिटल एंड अदर मेडिकल सेंटर। गोल्स इंक्लूड द सिलेक्शन, प्रिस्क्रिप्शन, प्रिक्योरेशन, डिलीवरी, एडमिनिस्ट्रेशन एंड रिव्यू ऑफ मेडिकमेंट टू ऑप्टिमाइज पेशेंट आउटकम। तो हॉस्टल फार्मेसी का पहला मिशन होता है कि जो भी हॉस्पिटल में ड्रग्स हैं या जो भी मेडिकल्स हैं, उनका हम मैनेज कैसे करें, उनकी मैन्युफैक्चरिंग, स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन का जो प्रोसेस होती है, हम कैसे मैनेज करें, कौन से हम गाइडलाइन बनाएं, कौन कौन से हम रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करें। इसमें सिलेक्शन, प्रिस्क्रिप्शन, प्रोक्यूरेशन एंड डिलीवरी, एडमिनिस्ट्रेशन, रिव्यू ऑफ मेडिकेशन, यानी कि जो भी ड्रग को हम सिलेक्ट कर रहे हैं, किस प्रकार के हम ड्रग से कर रहे हैं, जो हमारे प्रिस्क्रिप्शन आ रहा है, वो प्रिस्क्रिप्शन हमारा कैसा आ रहा है, हमें उस प्रिस्क्रिप्शन कर दें कितनी ड्रग, कितनी डोजेस को पेशेंट को देना होगा। और जो भी एडमिनिस्ट्रेशन की प्रोसेस होती है, यानी कि जो ड्रग हमें एडमिनिस्ट्रेशन करना है, वो कैसे हम पेशेंट को बताएं कि किस प्रकार ड्रग को आप लें या टेक करें, और इन सभी चीज़ों को पेशेंट से आउटकम लेते, रिव्यू लेते रहें कि हाँ जो दवाइयां चल रही हैं वो फ़ायदा कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, या कैसा बस फीलिंग कर रहे हैं, कैसा फील महसूस कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है टू इंश्योर द राइट मेडिकेशन एट द राइट टाइम एट द मिनिमम कॉस्ट, यानी कि जो भी ड्रग हैं वो सही टाइम पर मिल जाएँ, सही समय पर मिल जाएँ, सही ड्रग जो भी प्रिस्क्राइब की गई हैं वही ड्रग मिल जाए, और उन सभी की जो लागत होती है, कास्ट होती है, वो मिनिमम रहे, ज़्यादा ना हो। नेक्स्ट पॉइंट है टू एक्ट एज डाटा बैंक ऑन ड्रग यूटिलाइजेशन। जो भी ड्रग यूटिलाइज की जा रही है, जो भी ड्रग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, जितनी क्वांटिटी में ड्रग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, उन सभी का डाटा कलेक्ट किया जाए, यानी कि उन सभी ड्रगों की दवाइयों का एक रिकॉर्ड बनाया जाए। नेक्स्ट आता है टू कोऑर्डिनेट इन कोऑपरेट विद अदर डिपार्टमेंट ऑफ ए हॉस्पिटल। जो भी हॉस्पिटल का अदर डिपार्टमेंट होता है या जो भी स्टाफ होता है, उन सभी के साथ बहुत ही शालीनतापूर्वक काम करना चाहिए, कोऑर्डिनेट करना चाहिए और कोऑपरेट उनका सहयोग साथ भी देना चाहिए। ये होते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ हॉस्टल फार्मेसी, है कि जो भी हॉस्पिटल फार्मेसी में फार्मासिस्ट वर्क कर रहा होगा, जो काम कर रहे होंगे वहाँ पर, उन सभी को एक दूसरे के साथ बहुत ही शालीनतापूर्वक काम करना चाहिए, डिपार्टमेंट में एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट पॉइंट है नेशनल एंड इंटरनेशनल सिनेरियो। नेशनल एंड इंटरनेशनल सिनेरियो ऑफ फार्मासिस्ट का योगदान कहाँ कहाँ होता है, कितना होता है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे फार्मासिस्ट की क्या भूमिका होती है, इसके हम पॉइंट देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है फार्मासिस्ट प्ले मेन रोल इन द मैन्युफैक्चर एंड डिस्पेंस ऑफ द ड्रग, बट नाउ अ डेज फार्मासिस्ट प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन द केयर ऑफ पेशेंट। फार्मासिस्ट का जो मेन रोल होता है, वो होता है ड्रग का मैन्युफैक्चर करना और डिस्पेंस करना, लेकिन प्रेजेंट टाइम में फार्मासिस्ट पेशेंट के केयर में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका को निभाता है। इन सम कंट्रीज, सारी जगह पर ऐसा नहीं होता, कुछ कंट्रीज़ में ऐसा होता है कि फार्मासिस्ट पेशेंट की केयर भी करता है और दवाइयों की मैन्युफैक्चरिंग और डिस्पेंस भी करता है। नेक्स्ट पॉइंट है सम कंट्री हैज़ ग्रांटेड द फार्मासिस्ट प्रिस्क्राइब द ड्रग फॉर पेशेंट। कुछ कंट्री ऐसी होती हैं जहाँ पे फार्मासिस्ट दवाइयों को प्रिस्क्राइब्ड भी कर सकते हैं, यानी कि जिससे डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लिखता है, ऐसे फार्मासिस्ट भी दवाइयों को प्रिस्क्राइब कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है इन इंडिया द फार्मासिस्ट प्ले अ लिमिटेड रोल इन कंपेरिजन टू अदर कंट्रीज। इंडिया में क्या होता है, जो फार्मासिस्ट का एक लिमिटेड रोल होता है, यानी किसी मैन्युफैक्चरिंग और डिस्पेंसिंग कर सकता है, प्रिस्क्रिप्शन को राइट नहीं कर सकता, लेकिन सम कंट्रीज में
कुछ कंट्रीज ऐसी होती हैं जहाँ पे फार्मासिस्ट प्रिस्क्रिप्शन को भी राइट करता है, लिखता है। नेक्स्ट पॉइंट है, द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन स्टेट दैट द फार्मासिस्ट फर्स्ट कंसर्न टू द पेशेंट फॉर देयर गुड हेल्थ। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन स्टेटमेंट दिया है कि फार्मासिस्ट एक पहला कहते हैं जो कि पेशेंट की गुड हेल्थ की यानी कि उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता है या अच्छे उनके स्वास्थ्य की केयर कर सकता है, ऐसा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने रिव्यू दिया हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है कि द मोस्ट ऑफ द कंट्रीज द फार्मेसी एडवाइज टू डॉक्टर एंड एजुकेट द पेशेंट। कुछ कंट्रियों में ऐसा होता है कि फार्मासिस्ट एडवाइस करता है डॉक्टर को भी और वहाँ के पेशेंटों को भी उस चीज़ के बारे में, उस दवा के बारे में एडवाइस करता है कि कैसे दवाइयों को यूज करना चाहिए। तो फार्मासिस्ट एक मेजर प्ले रोल अदा करता है कुछ कंट्रीज में, बस इंडिया में सम डिफरेंस होता है, यहाँ पे ना हम प्रिस्क्राइब कर सकते हैं और ना ही पेशेंट को एजुकेट कर सकते हैं कि यहाँ कैसे लेना, कि बट ये मेजर रोल होता है कि फार्मासिस्ट प्रिस्क्राइब भी कर सकता है और पेशेंट को एडवाइस करता है कि हाँ ड्रग को कैसे लेना है, किस प्रकार से, किस क्वांटिटी में लेना चाहिए, सारी जानकारी फार्मासिस्ट को देता है। फार्मासिस्ट सभी को एडवाइस करता है, बताता है, यानी कि स्टाफ में सबको डिस्कस करता है। ये था हमारा हॉस्टल फार्मेसी का फ्यू टॉपिक्स, जहाँ पे हॉस्पिटल फार्मेसी की डेफिनेशन दी, उसके स्कोप थे, ऑब्जेक्टिव, नेशनल ट्रेसिनेरियो टॉपिक्स था। Thanks for watching this video. Like, share and subscribe my YouTube channel. Thank you.